कि वो बता देते हैं कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले टॉप 10 खबरों की, तो अगर गोल्ड की अगर बात करें तो अच्छी तेजी दिख रही है, 51,000 के ऊपर आ गया है। कॉमेक्स पर $1,860 के ऊपर है, अच्छी तेजी है। डॉलर कमजोर है, बॉन्ड यील्ड में नरमी है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। चांदी की बात करें यहां भी अच्छी तेजी है, एमसीएक्स पर 62,500 $22 के ऊपर कॉमेक्स पर कारोबार कर रहा है। क्रूड की लेकिन रफ्तार कम नहीं हो रही है, $120 के अब ऊपर टिक गया है ब्रेंट क्रूड का भाव, और जिस तरह से ड्राइविंग सीजन की डिमांड यूएस में है उसका फायदा यहां पर क्रूड उठा रहा है। नेचुरल गैस यूएस में जो स्टॉक है वो अनुमान से कम है, उसका यहां पर फायदा है और आज तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। मेटल की बात करें तो चौतरफा तेजी है, जिंक लेड कर रहा है, कॉपर भी अच्छी तेजी है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम में भी 0.5% तक की तेजी दिख रही है। और अब बात कर लेते हैं कुछ कम एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में मॉनसून की खबर का जिक्र करेंगे आगे, लेकिन अगर मेंथा की बात करें तो कम उत्पादन का अनुमान है, उससे यहां पर कीमतों पर को सपोर्ट मिल रहा है। 1070 के आसपास यहां पर आज कारोबार कर रहा है एमसीएक्स पर। कॉटन ऊंचे भाव से मिलों में, कई मिलों में काम बंद है, और हालांकि ऊपरी स्तरों पर मांग कम होने से अब धीरे धीरे यहां पर नरमी आ रही है। हल्दी की बात करें तो आज एक रेंज में फंसा हुआ है, 8,000 के आसपास एनसीडीएक्स पर कारोबार हो रहा है। जीरा कम उत्पादन से सपोर्ट है, हल्की तेजी दिख रही है, 21,500 के आसपास भाव। धनिया अनुमान से कम उत्पादन से यहां पर कीमतों को सपोर्ट है, और मसालों में सबसे ज्यादा तेजी आज यहीं पर दिख रही है, 0.5% की मजबूती दिख रही है। कैस्टर की बात करें तो मुनाफा वसूली का दबाव दिख रहा है, 7,500 के आसपास भाव है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं, और बिटमन मजुमदार है, और साथ ही हमारे साथ अनुज गुप्ता है आईएफएल सिक्योरिटीज से, और इसके बाद हमारे साथ आईएमडी के डीजी एम महापात्र साहब भी जो होंगे, और आईसीएआर के डीडीजी एग्री एक्सटेंशन के जो खेती की क्या स्थिति है उनसे भी बात होगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे साथ एम महापात्र जी हैं। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मानसून सर केरल में दस्तक हो चुकी है, लेकिन क्या अब आगे इसकी रफ्तार थमेगी? और एके सिंह साहब सबसे पहले आपसे समझ लेते हैं, क्योंकि कई सारे किसानों के सवाल आते रहते हैं हमारे पास, तो उनका यही सवाल है क्या प्री मॉनसून की जो में जो बारिश कम हुई है क्या उसका असर या उसकी भरपाई ये जो मॉनसून की रफ्तार है वो कर पाएगा क्या? क्या लग रहा है सर, ये जो मॉनसून अब समय से पहले आया है, क्या अब इससे बुआई में फायदा होगा और खरीफ की बुआई बढ़ेगी? एके सिंह साहब। नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए प्री मानसून बारिश आती है तो वो ज्यादा फायदा जो उस समय एग्जिस्टिंग क्रॉप रहती है जायद की उसके लिए होती है, लेकिन जो मानसून होना चाहिए उस मानसून के आने से एडवांटेज ये होगा, अर्ली यदि आता है तो लोग समय से नर्सरी गिरा पाएंगे और प्लांटिंग कर पाएंगे। इस बार जैसे हीट वेव्स भी थी तो किसानों को सलाह दी गई थी कि नर्सरी थोड़ा देर से उगाना शुरू करें, और हमने कहा था कि मई के एंड में ही नर्सरी डालने का, यानी मई के थोड़ा देर से ही नर्सरी डालें धान की, जिससे कि जून के तीसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में या जून के अंतिम सप्ताह तक हम धान की रोपाई कर सकें। लेकिन जब समय से ही बारिश आने की संभावना है, और ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि नर्सरी जो भी किसान उगाते हैं वो जहाँ इरीगेशन के सोर्स पहले से ही हैं, जहाँ पे ट्यूबवेल्स हैं या नहर है उसके आसपास ही लोग नर्सरी पहले से तैयार कर लेते हैं, तो नर्सरी तैयार करने में कोई समस्या नहीं है और उसके समय से रोपाई हो जाती है, और यदि बारिश पहले आ जाती है तो फसल बहुत ही अच्छी होगी, और अभी तक जो अनुमान है वो पूरे खरीफ के लिए जितने हमारे टारगेट्स हैं उसके अनुसार ही बुआई भी रोपाई भी होने की संभावना है, कहीं कोई कम होने की संभावना नहीं है। सर आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त आईएमडी के डीजी एम महापात्र साहब भी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर केरल में तो मानसून की दस्तक हो चुकी है, और क्या लग रहा है बाकी राज्यों में कब तक पहुंचेगा? क्या रफ्तार जून में धीमी रहेगी, जून के पहले हफ्ते में, या यहां से अब रफ्तार पकड़ने वाली है मानसून? अभी जो हमारा पूर्वानुमान है इसके हिसाब से अगले 2-3 दिन में कर्नाटक के दक्षिण हिस्सा और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में मानसून अग्रसर होगा। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जैसे कि मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्व हिस्सा, इसमें भी मानसून अगले 2-3 दिन में आने का उम्मीद किया जा रहा है। सर बाकी राज्यों के अगर एग्री बेल्ट की बात करें, एमपी,
महाराष्ट्र, राजस्थान, यहां पर क्या स्थिति है? किस तरह से मानसून यहां पर आगे बढ़ेगा और किस तरह की रफ्तार आगे दिखेगी इन स्टेट्स में? सेंट्रल इंडिया में जब मानसून आता है वो तो लगभग जून 15 के आसपास होता है, और अभी हमारा जो कुर्बानमान होता है अगले 7 दिन के लिए होता है। अगले 7 दिन के अंदर ऐसे कोई वातावरण नहीं है, अनुकूल नहीं है जैसे भी सेंट्रल इंडिया की तरफ ये मानसून आ सके। अभी सिर्फ साउथ पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मानसून अगले 3-4 दिन के तक आने का हम पूर्वानुमान कर रहे हैं। ओके सर, शुरुआत में कहा गया था कि जुलाई अगस्त में उतनी अच्छी बारिश, जून जुलाई में अच्छी बारिश होगी, लेकिन अगस्त और सितंबर में बारिश की जो रफ्तार है वो धीमी रहेगी। क्या अभी भी वही अनुमान है या लग रहा है कि सेकेंड पार्ट भी मानसून का जो दूसरा हिस्सा होगा, जो लास्ट के 2 महीने होते हैं अगस्त सितंबर, वहां भी अच्छी बारिश की उम्मीद है? हमने जो पूर्वानुमान जारी किए थे 14 अप्रैल को, इसमें पूरी इंडिया में कितना बारिश होगा मानसून सीजन के टाइम यानी 8 जून से 30 सितंबर के अंदर, इसका पूर्वानुमान दिया गया था। कोई महीना भर में कैसे बारिश होगा जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, इसका कोई पूर्वानुमान हम लोग नहीं दिए थे। और अभी इसका अपडेट इशू करेंगे परहैप्स टुमारो, और इस अपडेट में हम जून महीना में कितना बारिश होगा इसका पूर्वानुमान करेंगे, और इसके साथ साथ पूरे सीजन में बारिश कितना होगा इसका अपडेट करेंगे। कि जून एंड में जुलाई के लिए फोरकास्ट, जुलाई एंड में अगस्त के लिए, और अगस्त एंड के सितंबर महीने के लिए फोरकास्ट देंगे। सर अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं क्योंकि वो खेती के लिए काफी अहम होता है, तो एग्री बेल्ट में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन इस बार रहेगा, क्या आप लोगों की उम्मीद है, क्या अनुमान है सर आईएमडी का? हमारा जो पूर्वानुमान है अभी जो पास्ट डेज के हिसाब से, इसमें लगभग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंट्रल इंडिया में, साउथ पेनिनसुलर इंडिया में और गैंगेटिक प्लेन्स में, यानी जो रेनफेड एरिया है स्पेशली आप बोलेंगे सेंट्रल इंडिया, जो कि गुजरात राजस्थान से शुरू करके यहाँ उड़ीसा और नॉर्थ आंध्र तक जाता है, इस एरिया में भी नॉर्मल पे वो नॉर्मल रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है। और सिर्फ कुछ हिस्सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान और एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला, जैसे कि सदर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु और केरला, इसमें डेफिशिएंट रेनफॉल होने का हमारा पूर्वानुमान किया गया है। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ ICAR के एग्री एक्सटेंशन के DDG AK सिंह साहब भी है। सिंह साहब, क्या लग रहा है खेती के लिए, अगर जून के अगर बारिश की बात करें तो कितना अहम होता है खरीफ की बुआई के लिए, और अगर खरीफ की बुआई अगर जून में कम हो पाती है तो क्या आगे की बारिश से इसकी भरपाई होगी? देखिए, जो मेन बेल्ट की बात आप कर रहे थे यहाँ पर कि राइस की ज्यादा से ज्यादा रुपाई होती है, कुछ दूसरी फसलें हैं थोड़ी कम बारिश पर भी चल जाती हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इसमें चाहे दलहन की फसलें हैं, तिलहन की हैं, उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पानी की ज्यादा जरूरत धान की खेत में होती है, धान की फसल में होती है, और वो मुख्य बेल्ट है। उसमें जो महापात्रा साहब ने अभी बताया कि टाइम से बारिश होगी और बराबर बारिश होने की संभावना है, चारों तरफ सामान्य बारिश होने की संभावना है, ऐसे में जून के समय तक, जून के अंत तक रोपाई हो जानी चाहिए, और जून के समय तक यदि रोपाई हम कर पाते हैं तो हम देखेंगे पैदावार जो अधिकतम होती है वो हो पाती है। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं, यदि 15 जुलाई तक भी यदि धान की रोपाई किसान भाई कर लेते हैं तो उसमें ज्यादा क्षति होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन उसमें जरूरत बस इस तरह की रखनी चाहिए किसानों को कि जो नर्सरी लगाते हैं वो अलग अलग डेट में लगाएं, कुछ खेतों के लिए थोड़ी नर्सरी ऐसी लगाएं जो कि जून के अंत तक रोपाई कर पाएं, और कुछ ऐसा लगा के रखें कि यदि 2-4 दिन मानसून देर भी होता है तो उसको रोपाई उसकी बाद में कर पाएं। तो ये कंटिजेंसी प्लान किसानों के लेवल पे होना चाहिए और इसकी तैयारी उनको करके रखना चाहिए, और यदि सामान्य मानसून होता है तो जून के पहले ही पूरी रोपाई होने की संभावना है, जैसा कि अनुमान अच्छे बारिश की है। जी साहब, सर आपसे एक सवाल अब ये होगा कि नॉर्थ इंडिया में हीट वेव की स्थिति काफ़ी बुरी है, क्योंकि प्री मानसून जो बारिश की उम्मीद थी उतनी बारिश नहीं हुई, हालांकि पिछले एक हफ्ते से वो रिवाइवल की स्थिति वहां पर दिख रही है, प्री मानसून जो बारिश है वो भी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में क्या लग रहा है वहां कब से राहत की उम्मीद कर सकते हैं जो हमारा मध्य भारत और नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है? नहीं, हीट वेव तो महापात्रा साहब ने बताया है, यदि 15 जून पे बारिश आने की बात है तो हीट वेव अचानक वो खत्म हो भी जाएगा,
और अभी आपने देखा होगा कि 7-8-10 दिनों से टेम्परेचर सामान्य सा है, कोई बहुत सारी हीट वेव नहीं चल रही है। तो ये जो टेम्परेचर है, और कई बार टेम्परेचर की बात हम चिंता करते हैं, जो लोग शहर में जाते हैं वो चिंता करते हैं, लेकिन ये फायदा भी करता है। आप जानते हैं कि जमीन में जो तमाम कीटाणु है वो मर भी जाते हैं अधिक टेम्परेचर होने पे, तो फसल को उसका लाभ भी होता है। और किसान इसीलिए गर्मियों में खेत की जुताई करके खुला खेत रखते हैं, कीड़े मर जाएं और जो बारिश गिरे उसका पानी पूरा जमीन के अंदर शोषित हो जाए। तो ये एडवांटेज की भी बात है अधिक टेम्परेचर, और ये अच्छी फसल होगी, पूरा अनुमान कृषि विभाग का है और ICAR का है। ओके महापात्र साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल था, आपसे मेरा सवाल यही था कि क्या हीट वेव से नॉर्थ इंडिया में राहत मिलने की उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में? अभी जो स्टेटस आपने देखा है, अभी तक मई महीने में तो हीट वेव ज्यादा कुछ रहा है नहीं, सिर्फ अक्टूबर में 15 नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव भी कन्फाइंड था, और इसके बाद थंडरस्टॉर्म जारी है। थंडरस्टॉर्म की वजह से अभी कोई हीट वेव कंडीशन नहीं है, और नेक्स्ट 5 डेज के लिए भी ऐसा कोई सिग्निफिकेंट हीट वेव कंडीशन नॉर्थ इंडिया में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। कई सारे एग्री एक्सपर्ट से बात होती है तो वो कहते हैं बारिश की जो स्पेल होती है ना, कुछ हिस्सों में ऐसी होती है कि या तो बाढ़ की स्थिति हो जाती है, कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति हो जाती है, एवरेज निकलता है तो मॉनसून सामान्य आ जाता है। क्या इस बार इस तरह की भी कुछ आशंका है क्या? इसलिए हमने गुजरात, राजस्थान के कई हिस्से में आप देखेंगे तो एक हिस्से में बाढ़ की स्थिति थी जहां बाढ़ से फसल खराब हो गई, दूसरे हिस्से में जरूरत से ज्यादा सूखा हो गया, बारिश बहुत कम हुई। क्या लग रहा है सर इस बार? वो तो हर साल होता है और इस बार भी होगा ऐसे, क्योंकि इंडिया एक बड़ा कंट्री है और बड़े कंट्री के अंदर स्पेशल वेरिएशन बहुत होता है। हाँ, कोई जगह पे आपको डेफिशिएंट रेनफॉल होगा तो और किसी जगह पे आपको एक्सेस रेनफॉल होगा, इसलिए कहाँ सूखा की स्थिति और कहाँ बाढ़ की स्थिति हो सकता है, ये वेरिएबिलिटी की वजह से होता रहता है। और इसके साथ साथ इंट्रा सीजनल वेरिएशन होता है, यानी डे टू डे वेरिएशन भी होता है। डे टू वेरिएशन के हिसाब से जैसे आपने बताया, कभी लॉन्ग वेट स्पेल हो जाता है, फ्लड वगैरह हो जाते हैं, और कभी ड्राई स्पेल भी हो जाता है। मगर अभी जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, इसके हिसाब से दिखाया गया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेवी रेनफॉल इवेंट्स वो ज्यादा हो रहा है, और जो ड्राई इवेंट्स यानी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल इवेंट्स कम हो रहा है। यानी बारिश हो रहा है तो थोड़ी सी टाइम के अंदर ज्यादा बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से आपका फ्लैश फ्लड्स, अर्बन फ्लड्स जैसी स्थिति पैदा हो रहा है, और इस स्थिति के लिए हम सभी तैयार होना चाहिए। ओके महापात्र सर, ये छोटा सा सवाल अब जाते जाते आपसे ये होगा, लानीना की क्या स्थिति है अभी? अभी भी लानीना कंडीशन जारी है, और हमारा पूर्वानुमान यही है कि मॉनसून सीजन में भी लानीना कंडीशन जारी रहेगा, और लानीना कंडीशन इंडियन मॉनसून के लिए अच्छा ही होता है। शुक्रिया महापात्र सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए एक अहम दिन जब मॉनसून की दस्तक हो चुकी है और आगे किस तरह की स्थिति रहेगी, कैसी रफ्तार होगी, उस पर बात करने के लिए। सिंह साहब आपका भी शुक्रिया, खेती के बारे में आपने जो सलाह दी है कि किस तरह से आप बुआई शुरू कर सकते हैं और आगे क्या स्थिति रह सकती है और मॉनसून पर कितना निर्भर है खेती, इस बात की अहमियत समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दो और मेहमान हैं, अनुज गुप्ता हैं और बिटवन मजुमदार हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और बात अब सबसे पहले होगी नॉन एग्री मार्केट की, क्योंकि वहाँ की चाल भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें, एक अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। अनुज जी, गोल्ड और सिल्वर में आज क्या सलाह दे रहे हैं आप? तो आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना शानदार अवार्ड जीता है, आपकी पूरी टीम को और आपको, आपके एफर्ट्स को सराहा गया है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अवार्ड्स के लिए। और जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, हमें लगता है कि गोल्ड अगर हम पिछले 2 हफ्तों से देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड गोल्ड स्पेयर में देखने को मिला है। अगर हम देखें तो MCX में गोल्ड करीबन 51,200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखता है, और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 1,862 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो फिर 1,860 के ऊपर मार्केट ने काफी एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है। डॉलर में वीकनेस की वजह से और जो क्रूड के अंदर हमने बनते हुए देखिए करीबन 4% लास्ट वीक में बढ़ा है, तो काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि इस वीक में और आने वाले दिनों के अंदर सिल्वर में तेजी का ट्रेंड कायम रहेगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करीबन 51,100 के आसपास गोल्ड में बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 50,550 का रहेगा, टारगेट 51,600 का है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1,875-1,880 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक सिल्वर का सवाल है, हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। सिल्वर में करीबन 62,000-62,500 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 61,600 रहेगा, टारगेट 61,000 तक देखने को मिल सकता है।
इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं कि 22.50 तक के लेवल सिल्वर में देख सकते हैं, तो गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव लगता है, सबसे अच्छा लगता है कि मार्केट एक पॉजिटिव साइड में जा सकता है। ओके, गोल्ड तेजी का रुख है, आप खरीदारी करके जा सकते हैं। 51,600 गोल्ड का टारगेट है, 63,000 चांदी का। आपको भी बिटपन, आप भी सहमत है चार्ट पे, आपको कैसा लग रहा है गोल्ड और सिल्वर आज? पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग का अवार्ड मिला और ये काफी सराहने वाली बात है। शुक्रिया। और फिलहाल और मैंने भी देखा था और विद इन 5 मंथ्स इसके 2 अवार्ड जितना कोई मतलब इजी काम नहीं है, और आप लोग का जिस तरह से रिपोर्टिंग है मैं भी देखता हूँ आपके पूरे प्रोग्राम्स। थैंक यू। फिलहाल जो मार्केट का जो सिनारियो है, थोड़ा सा पूरे मार्केट में जिस तरह से पॉजिटिव सिनारियो है, इक्विटीज में हो या अपने कमोडिटीज में हो, मेटल में काफी एक रिबाउंड जैसा सिनारियो है, और मुझे इसको मद्देनजर रखता है मुझे सिल्वर में थोड़ा पिकिंग करना अच्छा रहेगा। और सिल्वर में जिस तरह से एक रेंज से निकला है मार्केट, 62,200 ऊपर का और नीचे 61,400 का जो रेंज चल रहा था, उससे निकल के अब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, तो मुझे लग रहा है सिल्वर में भी बाय रहना चाहिए जिस तरह से अनुज ने बोला है। तो थोड़ा डिप्स आ जाए तो बाय कीजिएगा, और 62,000 का इमीडिएट टारगेट रहेगा और 63,500 का नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। गोइंग फॉरवर्ड में मुझे लग रहा है थोड़ा सा सिल्वर में बाय करने के लिए ही बेटर है। चांदी इनके लिए अच्छा मौका है, दोनों ही जानकारों को लगता है कि चांदी खरीद कर जाना चाहिए। मेटल की बात करें तो बी टू पर मेटल में क्या पसंद आ रहा है? मेटल की आपको लग रहा है कि रीबाउंड अगर होगा तो हम क्या खरीद लें, कुछ मौका दिख रहा है? देखिए मेटल में मुझे सबसे ज्यादा पसंद लग रहा है अभी फिलहाल के लिए जिंक। Okay. और जिंक मुझे लग रहा है कि 340-345 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड है। अभी फिलहाल मार्केट एक लोअर हाई तोड़ के अभी हायर हाई सिनारियो बन रहा है, जिस तरह से डाउन ट्रेंड था, तो अभी फिलहाल के लिए कोई डिप्स आता है 332-333 का इस तरह से डिप्स आता है तो जिंक को लेना चाहिए, और जिंक मेरे हिसाब से 340 या 345 के लेवल तक पहुंच सकता है। कॉपर में भी रिबाउंड है, लेकिन कॉपर में थोड़ा सा मॉडरेट है, और कॉपर इंद्राडे के हिसाब से भी ले सकते हैं 778-779 ये सब के लेवल के आसपास, या 780 तक भी ले सकते हैं। 784-785 का एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये टूट जाएगा तो थोड़ा शायद मार्केट पे और सरस शायद 794-795 का लेवल भी पॉसिबल है। तो जिंक मोस्टली आप ले सकते हैं कोई डिप्स में, कॉपर में भी आप डिप्स में बाय कर सकते हैं। डिप में कॉपर बाय करें और जिंक भी लेने की सलाह है। जिंक में ज्यादा तेजी है, कन्विक्शन ज्यादा जिंक को लेकर है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा दोनों ही काउंटर में। अनुज जी आपको क्या लग रहा है, आपको भी इस रीबाउंड में कोई लग रहा है कि कोई अच्छा यहाँ पे पिक है, यहाँ पे आज खरीद लेना चाहिए मेटल में? देखिए विश्वमोहन जी, आज हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, मेटल स्टॉक चले हैं। यहाँ पर अगर देखें तो LME के अंदर भी बेस मेटल में एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिला है, हमें लगता है कि MCX के अंदर भी बेस मेटल में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। यहाँ पर अगर हम इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड की बात करें तो कॉपर और एल्युमिनियम मुझे लगता है कि दो अच्छे बेट हो सकते हैं जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। कॉपर में करीबन 776 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस 770 का रहेगा, टारगेट 785 से लेकर 790 तक हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें एल्युमिनियम की तो यहाँ पर भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, हमें लगता है एल्युमिनियम के अंदर भी अगेन 245 से लेकर 247 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। इन्वेंट्री नो डाउट की एक डाउन साइड में आती हुई दिख रही है, डिमांड बड़ी है, जिस तरीके से चाइना ओपन होते हुए दिख रहे हैं तो वहाँ पर डिमांड एक्सपेक्टेशन तेज होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। हमें लगता है कि बेस मेटल में इस इंट्राडे में और वीकली प्रस्पेक्टिव से एक बाउंस बैक रहेगा, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। बिटुपन वक्त कम है, क्रूड के लिए क्या टारगेट है आपका? क्रूड ऑयल मुझे डिप्स में बाय करना है, 89-20 के आसपास ही मैं बाय करूंगा, 9050-9070 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, और अभी जो समर ड्राइविंग सीजन है यूएस का उसके मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में थोड़ा मॉडरेट तेजी रहना चाहिए, तो उसको बाय कर सकते हैं आज के मार्केट में। आज के लिए टॉप पिक अनुज जी? जी, देखिए एग्री में हमें लगता है कि ग्वार सीड और जीरा में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ग्वार सीड में करीबन 5,950 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 5,850 का लगाएं, टारगेट 6,200 तक हो सकता है। जीरा के अंदर करीबन 21,300 में खरीदारी करें, 21,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 21,750 तक देखने के लिए। ओके, चलिए शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटफन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिया। चलिए लेकिन मुनाफे की मंडी में फिलहाल